दुर्ग के दो युवा गौ सेवक आकाश मजुमदार उर्फ सोना और लेखराम यादव 1 मार्च को मिशन गौ माता को लेकर दुर्ग से दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली पहुंचकर देश के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात वे करेंगे और उन्हें ज्ञापन सौंपकर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का आग्रह करेंगे। इसकी तैयारी विगत 1 माह से की भी जा रही थी। इसके साथ ही कुछ और लोगों की टीम भी गई है जो रास्ते में इनके कार्यक्रम तय करेगी और इनके खाने पीने रहने और बेहतर व्यवस्था की देखरेख करेगी। 1 मार्च को आकाश मजुमदार और लेखराम यादव आकाश मजुमदार के घर से उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा दही शक्कर खाकर एवं उनका आशीर्वाद लेकर निकला गया। उसके बाद रास्ते में आने वाले सभी मंदिरों में माथा टेक कर दीप प्रज्वलित कर आशीर्वाद भी लिया गया। उन्हें इस पद यात्रा के जरिए सफलता प्राप्त हो, इस बीच दोनों युवाओं को भारी जन समर्थन भी मिल रहा था। जगह जगह फूल मालाओं से इनका स्वागत भी किया जा रहा था। उनके इस यात्रा को सफल होने की शुभकामनाएं दी गई। एसीएन न्यूज की टीम ने भी दोनों युवाओं को शुभकामनाएं दी और आकाश मजुमदार से खास बातचीत की। आप ही सुनिए आकाश मजुमदार अपने मिशन गौ माता को लेकर जा रहे हैं, उस दौरान उन्होंने क्या कहा। आखिर वो दिन आ गया जो गौ माता का मिशन लेकर के आकाश मजुमदार पद यात्रा पे निकले हैं दुर्ग से दिल्ली। पूछते हैं कैसा लग रहा है, बहुत सारे प्रयास बहुत सारी तैयारियां कर रखी है उन्होंने, कैसा लग रहा है इनसे पूछते हैं। मैं समझ शहरवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को और देशवासियों को आगामी सनातन की जीत की अभी से बधाई दे रहा हूँ और निश्चित तौर पर अब इस गौ माता के संरक्षण की पद यात्रा को कर रहे हैं। बाबा महाकाल की कृपा से, बाबा बागेश्वर धाम की कृपा से निश्चित तौर पर हम पूरा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अपना पूरा पूरा कंसंट्रेशन, अपना पूरा पूरा एफर्ट हम 25 दिन के अंदर से यात्रा को पूरा करने का संकल्प लेकर निकल रहे हैं और आप सभी का आशीर्वाद हमें चाहिए, सभी सनातनी व सभी गौ सेवकों का, गौ प्रेमियों का। एक बहुत बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है आपके पीछे, आपके अगल अगल, आपके बगल में, कैसा सपोर्ट मिल रहा है और कहाँ कहाँ से भी सपोर्ट आपको मिला है इस यात्रा के लिए? ये सारे सच्चे सनातनी है, ये सब मन से चाह रहे थे गौ माता के प्रति, हमारे भारत देश में उत्थान के प्रति, राष्ट्रमाता घोषित होने के प्रति, कत्ल खाने बंद होने के प्रति, ये सारे सच्चे सनातनी हैं, सच्चे गौ सेवक हैं, इसलिए गौ सेवक का समर्थन करने आए। एक बात और पता चली है कि आपने इस यात्रा के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के सचिव पद से। गौ माता के समर्पण के आगे किसी भी पार्टी को कोई भी पद देने के नहीं पाने लगता। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे थे कि आप कांग्रेस पार्टी में थे, पदाधिकारी थे और ये जो गौ माता की सेवा के लिए आप निकले, इसमें कुछ विवाद हो सकता है? इसमें सीधी सी बात है, सीधा तो बनता है, हम इस भारत के राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त पहले गौ यात्रा में किसी तरह का किसी प्रकार को राजनीति नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया। कब तक पहुँच रहे हैं दिल्ली? लगभग 25 दिन के अंदर हमारा टारगेट मिशन गौ माता। जहाँ जहाँ से गुजरेंगे क्या संदेश देते हुए जाएंगे गौ माता के प्रति? पूरे भारत देश के जो 5 राज्य सब गुजर के जाएंगे और गौ माता के प्रति उनके मन में संवेदना जगाने की कोशिश करेंगे, जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे, अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे, तब जाके गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो पाएगी, सिर्फ हम दो के चलने से कुछ नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं है एसीएन न्यूज की तरफ से आपको। बोलो गौ माता की जय। दोस्तों आकाश मजुमदार ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, लगभग 25 दिन का टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 25 दिन के अंदर में ये पहुंच जाएंगे दिल्ली और महामहिम मुर्मू से करके गौ माता की संरक्षण और संवर्धन के लिए बातचीत करेंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे। देखते हैं, हम भी ये कामना करते हैं कि यात्रा सफल हो। मिशन गौ माता को लेकर किए जा रहे पदयात्रा की अनुमति स्वयं महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उपलब्ध कराई है और इस पदयात्रा के माध्यम से जिन 5 राज्यों से आकाश मजुमदार और लेखराम यादव गुजरेंगे उन सभी राज्यों के रहवासियों को गौ माता की सेवा, सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूक करते जाएंगे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।